वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोनिक ब्लॉग। रोनिक ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ राम मंदिर दर्शन कराने के लिए, और संपूर्ण मैं वहाँ का दर्शन कराऊंगी आपको राम मंदिर का। और मैं बता दूं कि ये भीड़ जो आप लोग देख रहे हो, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये सीन है उसके नेक्स्ट डे का। और मैंने इसके पहले भी वीडियो डाला था आपको, लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि राम मंदिर का गेट बंद कर दिया गया था क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। तो आज मैं वहीं से आपको स्टार्ट करती हूँ, वहीं से ले चल के दिखाती हूँ राम मंदिर का पूरा दर्शन आज मैं करवाऊंगी। और आप लोग देख पा रहे हो कि ये राम मंदिर का जो राम जन्मभूमि पथ है, जिस रास्ते से हम लोग राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये वहाँ का भीड़ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और मैं बता दूं कि आपको 3 बार रोका जाएगा। पहला जो है बैरिकेडिंग आपको यहाँ राम जन्मभूमि पथ के पास लगेगा, और सेकंड बैरिकेडिंग आपको अमावा मंदिर के पास देखने को मिलेगा, और थर्ड आप जब राम मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तब वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा है। तो 3 बार आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं नए अपडेट आप तक लाती रहूँ। तो चलिए, अब राम मंदिर का जो यह बैरिकेडिंग है वो खोल दिया गया है। अमावा राम मंदिर के अंदर का सीन है, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर भी लोगों को रोक दिया गया है, क्योंकि भीड़ आप लोग खुद देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो चुकी है। इसलिए जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, और थोड़ा थोड़ा करके लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा भीड़ राम मंदिर के अंदर ना हो सके। और अब बैरिकेडिंग ओपन कर दी गई है सेकेंड वाली भी, और आप लोग देख पा रहे हो कि मैं राम मंदिर के जस्ट पास में पहुंच चुकी हूं। और आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, लोगों में उत्साह है, खुशी है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना है, बिल्कुल जैसे लग रहा है स्वर्ग जैसा दिख रहा है राम मंदिर हमारा। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रही हूँ कि राम मंदिर का जो फर्स्ट डे का जो चढ़ावा यहाँ पर चढ़ा है वो 3,17,00,000 के पार जो है वो पहुँच चुका है राम मंदिर का चढ़ावा, और आगे भी चढ़ावा जो है वो चढ़ता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चढ़ावा चढ़ रहा है, लोग यहाँ पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और 3,17,00,000 के पार ये पहुँच चुका है। और आपको मैं बताई थी कि थर्ड बैरिकेडिंग आपको यहाँ पे लगाया गया है, जो राम मंदिर का मेन गेट है, एंट्री गेट है, जहाँ से आप लोग अंदर जाओगे, ये वहाँ का सीन है। यहाँ भी लोगों को रोक दिया गया है, और कुछ कुछ लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के अंदर भी काफ़ी भीड़ है, बाहर भी काफ़ी भीड़ है। और आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे प्रशासन लोगों को रोकने में लगा हुआ है, क्योंकि भीड़ कंट्रोल के बाहर है। लोगों की इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है, और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग राम मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो अभी आप कुछ दिन तो मत ही आओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आपको घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका नंबर आएगा। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अभी आप राम मंदिर के अंदर कोई भी पर्स, कोई भी मोबाइल, कुछ भी लेकर मत जाइए, क्योंकि यहाँ चोरी भी बहुत हो रही है। और ये सीन है राम मंदिर के अंदर, जब आप एंट्री करोगे तो ये मेन यहाँ पे जो एंट्री का गेट जो है, ये जो मेन मंडप है एंट्री का, आप लोग देख पा रहे हो कितना खूबसूरत ये मंडप बना हुआ है, काफ़ी भव्य तरीके से बना हुआ है। और अब मैं इसके अंदर से आपको लेके चल रही हूँ, जितना हो सकेगा मैं उतना दिखाऊंगी, क्योंकि मोबाइल लोगों की बंद कर दी जा रही है, तो भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं दिखाऊँ। और आप लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा सुंदर, कितना भव्य, बिल्कुल स्वर्ग जैसा हमारा राम मंदिर बना है, ये काफ़ी ज़्यादा भव्य है, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से ये मंदिर बना हुआ है। और ये देखिए कितना लग रहा है जैसे स्वर्ग में हम लोग आ गए हैं, इतना ज़्यादा ये खूबसूरत मंदिर लग रहा है। और देखिए यहाँ पे तालियों की गूंज आप सुनिए कि रामलला के हमारे। तो मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की जो भीड़ आई है वो यहाँ पे 10,00,000 लोग जो है, श्रद्धालु लोग यहाँ पे राम मंदिर में आए हुए हैं। 10,00,000 लोगों से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ आ चुकी है राम मंदिर दर्शन करने के लिए। Yeah.
मंदिर के बाहर आ गई हूँ और बाहर से आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से हमारा राम मंदिर दिखता है और काफ़ी बड़े एरिया में हमारा राम मंदिर बना हुआ है, काफ़ी भव्य तरीके से राम मंदिर बना हुआ है और अभी आगे भी इसका कार्य होता रहेगा क्योंकि अभी राम मंदिर पूरा बना नहीं है, अभी सेकंड फ्लोर स्टार्ट हुआ है बनना और अभी थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है, अभी ये सब चीज़ें थोड़ी सी थम जाएँ रुक जाएँ उसके बाद फिर से कार्य यहाँ पे स्टार्ट होगा। और आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पे राम लला का ये यहाँ पे जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो वीआईपी लोगों के लिए यहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई थी और ये सारा आप लोग दृश्य यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो आज का वीडियो यहीं तक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को ताकि मैं नए नए अपडेट आप तक लाती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।